तो भाई ये है ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बेस्ड हाइपर ओएस का फर्स्ट अपडेट जो कि ऑफिशियली शाओमी ने OTA जो है रिलीज कर दिया है चाइना के अंदर Mi 11X और Poco F3 के लिए। अब मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है अपने Mi 11X में, आप इसको Poco F3 के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। जो इंस्टॉलेशन मेथड है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट यहां पर ना ये एंड्रॉयड 13 का अपडेट है, आपको एंड्रॉयड 14 की कमी बिल्कुल भी यहां पे नहीं होने वाली। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इसका रीजन आपको बताऊंगा एंड इसमें क्या बग्स आपको मिलेंगे वो भी बताता हूं, और कौन से हाइपर ओएस के फीचर्स यहां से मिसिंग है उसकी भी बात हम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो वीडियो भाई काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले अबाउट फोन पेज में चलेंगे तो ये आपको माई डिवाइस पेज मिलेगा, यहां पर देख सकते हो ऑफिशियल शाओमी हाइपर ओएस का लोगो मिल जाता है और ये अपडेटर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और जो वर्जन है वो 1.0.3.0 है, टी से स्टार्टिंग है यानी कि एंड्रॉइड 13 है, CN यहां पर मेंशनड है जो कि चाइना को रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी एक्सटेंशन आप इनेबल कर सकते हो बट मैंने इसको ऑफ कर रखा है। एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हो 13 और जनवरी 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच पफ का कर्नल। अब ये जो सिक्योरिटी पैच है भाई, इसकी जो टेस्टिंग है ना ये जनवरी में ही इंटरनली स्टार्ट हो गई थी बट इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अब जैसे मान लो आपके फोन में कोई अपडेट आने वाला हो ना तो Xiaomi इसको इंटरनली टेस्ट करेगा, लाइक मार्च में जो भी अपडेट आएगा उसका जो सिक्योरिटी पैच है ना मार्च का, वो इंटीग्रेटेड होगा उस अपडेट के अंदर जब मार्च में उसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, और वो अप्रैल में जाके आपको ग्लोबली या फिर इंडिया वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये वाला भी जो अपडेट है ग्लोबली और इंडिया में आने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर जो है एक मंथ लग जाएगा भाई आराम से, और जैसे ही आएगा तो उसका वीडियो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है इस चैनल पे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को जो चाइना रॉम्स के अंदर लगती है ना या फिर चाइना अपडेट के अंदर लगती है वो है यहां पर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एनिमेशंस, एंड ये चीज आप यहां पर भाई क्लियरली नोटिस कर सकते हो। हां कैमरा के अंदर अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जब हम क्लोज करते हैं तो ये स्टटर करेगा, बट ओवरऑल अगर आप एप्लीकेशंस को देखोगे जैसे इंस्टाग्राम हुआ प्ले स्टोर हुआ यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ये कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, रैम की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफी अच्छी है और कैमरा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है और 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, नाइट मोड मोर के अंदर देख सकते हो, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और हाँ जी कैम वगैरह भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देखो ये एंड्रॉइड 13 का अपडेट है और स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला ये एंड्रॉइड 14 की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर चीज बताता हूँ, जो कंट्रोल सेंटर है वो आपका अपडेटेड है, ये भी आपको एंड्रॉइड 14 के अंदर सेम मिलता है। यहाँ पर ब्लर वगैरह देख सकते हो काफी अच्छे से वर्किंग है, इवन फोल्डर के अंदर भी ब्लर आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर फोल्डर की कस्टमाइजेशन भी आप डबल एक्सल तक जो है एक्सपेंड कर सकते हो इसको। दूसरा जो फीचर है वो यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर वेदर ऐप देख सकते हो, इसमें नए एनिमेशंस आ चुके हैं एंड ओवरऑल अगर आप सिस्टम के ऐप्स देखोगे ना गैलरी वगैरह यहां पे देख सकते हो नीचे आपको जो है सारे के सारे जो है कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर भाई आपको जहां पर जो है एंड्रॉइड 14 के साथ मिलते हैं। हाइपर ओएस के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं यहां पे, जैसे यहां से आप कटआउट अगर करना चाहते हो तो ना, तो यहां पर ये भी काफी अच्छे से वर्किंग है, चेकआउट कर सकते हो, ये काफी परफेक्टली वर्क करता है। इवन आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहां पे काफी इजीली कर सकते हो। मोर के अंदर जाओगे तो यहां पर ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेजर फीचर्स है ना हाइपर ओएस के वो यहां पे गैलरी वगैरह के अंदर मिल जाते हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो जब यहां पे आप चार्ज पे लगाओगे ना तो जो डायनेमिक आइलैंड टाइप आपको नोटिफिकेशन मिलता है वो यहां से मिलेगा ही मिलेगा, या फिर जो है ईयरबड्स वगैरह कनेक्ट करते हो तो वो सारी चीजें मिलेंगी। वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं भाई, 56 वॉलपेपर्स हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो, कुछ लाइव वॉलपेपर्स भी हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको सारे के सारे जो है क्लॉक्स जो है देखने को मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट, आप देख सकते हो इनको आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड अगर आप नोटिफिकेशंस के अंदर जाओगे तो यहां पे जो है डोंट शो आइकन लेबल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहते हो तो ये आप हाइड वगैरह कर सकते हो। होम स्क्रीन में जाओगे तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें iOS के रीसेंट्स वगैरह नहीं मिलते क्योंकि ये ऑफिशियल रोम है। और कलर स्कीम वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपका वर्किंग है, AI इमेज इंजन वाले फीचर्स हैं, साउंड एंड टच का जो यहां पर इंटरफेस है वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा एंड जो साउंड इफेक्ट्स है इसमें डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और एक चीज और चेंज हुई थी वो है यहां पर इंटरफेस बैटरी का, तो
ये देख सकते हो यहाँ पर भी ये चीज़ चेंज हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स हैं ना भाई, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप जो भी फीचर देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारे हाइपर ओएस के यहाँ पर प्रेजेंट है। जो एंड्रॉयड 14 में है वो एंड्रॉयड 13 में भी आपको मिलता है। बट अब मिसिंग क्या है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे है इसका फ्लोटिंग विंडो। और फ्लोटिंग विंडो भाई ये आपको एंड्रॉयड 13 वाला ही देखने को मिलता है। जो नया फ्लोटिंग विंडो है ना, उसमें यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स है। साइमल्टेनियसली आप अपर एंड डाउन में यहाँ पर ना ऐप्स को ओपन कर सकते हो। एंड आई थिंक मैक्सिमम आप 3 ऐप्स को वहाँ पे ओपन कर सकते हो जो एंड्रॉयड 14 के साथ हाइपर ओएस आया है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 2 कर सकते हो। ये सबसे पहला चेंज आपको मिल जाएगा। और दूसरा, एंड्रॉयड 14 की कमी के वजह से आपको यहाँ पर ना, मैं आपको दिखाता हूँ, परमिशन मैनेजर जो है एंड्रॉयड 14 का नहीं मिलता। लाइक यहाँ से ना आप अकॉर्डिंगली आप जो भी ऐप को परमिशन देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से कोई फोटो को जो है परमिशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो। अगर आप एक जो है अलाउ करना चाहते हो एक फोटो या फिर एक वीडियो को, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसमें आपको सारे के सारे जो है फोटो वगैरह एक्सेस करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। ये 2 चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड तीसरे नंबर पे मेरे को जो चीज नोटिस हुई, जो मिसिंग है ना, वो यहाँ पे है ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस। ये ना भाई MIUI 14 जैसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये हाइपर ओएस के एनिमेशंस आपको नहीं मिलते, क्योंकि मैंने उनको नोटिस किया है यहाँ पे ना, एनिमेशंस तो स्मूथ है इसके, बट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वैसी आपको नहीं मिलती जैसी एंड्रॉयड 14 के अंदर देखने को मिलती है। इसमें आपको जो है चेंज जरूर नोटिस होगा। अगर आपने हाइपर ओएस के पोर्ट्स को एंड्रॉयड 14 बेस्ड को ट्राई किया है, तो वहाँ पर स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा बेटर है और वो थोड़े ज़्यादा रिफाइंड एनिमेशंस के साथ आपको मिलता है। अब इस अपडेट के अंदर ना एक मेजर बग है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, वो है यहाँ पे ब्लूटूथ का। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पर ना इसको पेयर कर रखा है, रियलमी बड्स वायरलेस 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर ना कोई भी वीडियो वगैरह प्ले करता हूँ या फिर कुछ भी यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करूँगा ना, तो भाई ये जो वीडियो है ना वो पूरी स्टक हो जाएगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो कुछ इस तरीके से आपको अटक अटक के देखने को मिल जाएगी और यहाँ से साउंड भी नहीं आता। तो सबसे बड़ा बग आपको यही देखने को मिलेगा इस रोम के अंदर या फिर इस अपडेट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और कुछ और ज़रूरी चीज़ें जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले ये वीडियो आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, Mi 11X DFE Neo वाली, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर ना आपको DFE का भी एक जो है मेथड देखने को मिल जाता है, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। और उसके बाद आपको फाइल को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करेंगे। आपको चाहिए एक तो ये वाली फाइल जो रोम की है, उसके बाद आपको एक यहाँ पर ना EU का ये वाला जो ग्लोबल वाला फर्मवेयर है, ये 14.0.11, ये आपको चाहिए। ये 5G इनेबल करने के लिए है और इसको डेफिनेटली फ्लैश करना जब आप रोम फ्लैश कर लोगे। तो सिंपली करना क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है इस हाइपर ओएस को इंस्टॉल कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद DFE नियो आप फ्लैश कर लेना अगर आप डिक्रिप्शन चाहते हो। तो यहाँ पे DFE नियो का वीडियो मैंने आपको बताया, वो चेक कर लेना कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम इसको ना इंस्टॉल करते हैं। तो ये फ्लैश हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने डिवाइस को ना एक बार रिकवरी के ऊपर रीबूट करना है। जब आप रिकवरी के ऊपर रीबूट करोगे तो आपको वाइप के अंदर आना है। यहाँ पे डेलविक आर्ट कैश और मेटा डेटा और डेटा, ये तीनों को आपको जो है टिक करके इसको स्वाइप टू वाइप करना है। एंड उसके बाद आप डिवाइस रीस्टार्ट करोगे ना, आपका ये जो है काफ़ी अच्छे से बूट कर जाएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंक्रिप्शन में इंस्टॉल करना चाहते हो, रोम फ्लैश करो, फॉर्मेट डेटा करो और बूट आपका हो जाएगा। एंड आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आपको कोई इशू आए तो आप मेरे को जो है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल वगैरह भाई ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो या फिर कॉमेंट में भी बता सकते हो।